जगह जिसकी दुकान होगी। तू तो खाने वाला है। तो ऐसा है जी, देखो हमने इसमें 50 रुपए। इधर से छोछी खाने का मत ही खाते हैं। ठीक ठीक। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आज की एक और नई वीडियो में। सुबह का टाइम हो गया 7:30 का, उठ गए थे टाइम पर। उसके बाद अपना थोड़ा जो कहा वीडियो वगैरह एडिट अपलोड करनी थी वो करके, उसके बाद फिर अपना कैंपिंग भी वहां पर लगा रखा था, यहाँ सामने कैंपिंग लगा रखा था, वो अपना पैक कर लिया। अब चलते अपने रास्ते पर। उससे पहले आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि ये जो यहाँ पर टाटा सुमो होती है ना, इधर यही ज्यादा चलती है जो सवारियां वगैरह ढोने के लिए। बसें वगैरह तो इधर चलती नहीं है क्योंकि रास्ते ही ऐसे है ना। कहीं आपको हालात देखे थे रास्ते के, आपने पीछे कैसे थे। बस यही मेन साधन है, आने जाने का मेन साधन यही है, क्योंकि हैवी होती है ना, जहां मर्जी गारे में से निकल जाते कीचड़ में से, तो इन्हीं में से आना जाना होता है। और इसी ढाबे पर आके रुकते हैं लगभग, क्योंकि मेरे हिसाब से काफी एरिया में ढाबा ये अकेला ही है। ये हमें बाय चांस कल मिल गया, अगर ना मिलता तो शायद हमें आगे कोई भी ढाबा ना मिल सकता। तो ठीक है, अच्छा रहा, यहाँ रहने की व्यवस्था भी होगी, खाने की भी होगी, और अपना बढ़िया रहा सिस्टम सारा। तो ठीक है, अभी पैकिंग वगैरह हो चुकी है, बाइक पर सामान बांधते हैं और चलते हैं अपने रास्ते आईजोल की तरफ। तो अभी रास्ते में चलते चलते ना हमें धान की खेती दिखाई दी, जूम की, इधर जूम बोलते हैं, हमारी तरफ धान बोलते हैं। तो वो देखने का मन था, मेन कारण उसका देखने का ये था कि वैसे तो हमें धान देखी है क्योंकि हम खुद भी लगाते हैं ना जी, भी खेती वगैरह करते हैं, बट जो पहाड़ों में धान होती है ना, जूम होती है, ये अलग टाइप की है। क्योंकि हमारे उधर होते हैं जो पानी खेत में पानी खड़ा कर देते हैं, रुक जाता पानी जब तब लगाते हैं, बट इधर बिना पानी के कैसे लगाते हैं ये देखना था भी, उसके जो पेड़ कैसे लगा रखे होंगे। तो अभी ऊपर जा रहे हैं हम, आगे जाकर दिखाते हैं। ये आपका है कि जूम खेती ये आपका है? ये सारा अच्छा हिंदी नहीं, नहीं ओ हिंदी नहीं, अच्छा थोड़ा तो हिंदी, हाय हाय, तो हिंदी शायद कम ही आती है। चलें कुछ भाई आगे, तो चलते हैं अभी इनके साथ, देखते हैं आगे वाली। ये शायद बांस है, ये जो छोटा छोटा ये जो बांस काट दिया ना, जंगल बना हुआ था, ये दोबारा उग चुका है। तो काफी बड़ा एरिया है इनका खेती का, काफी देर से चले जा रहे हैं, आगे तक पहाड़ के बिल्कुल एंड पर आ चुके हैं। और ये काफी बड़ी बड़ी जूम की खेती है इधर, ये बहुत ही बड़े पेड़ पौधे हैं। और इधर की जो खेती है ना ये जूम की, ये काफी हार्ड है, मतलब इसके पेड़ पौधे ना काफी मजबूत है, हमारे तरफ इतने मजबूत नहीं होते जितने ये है। और बीच बीच में ये क्या है इसको क्या बोलते ये जूम, और ये सब्जी, अच्छा सब्जी सब्जी हुआ। अच्छा अच्छा, तो ये सब्जी है कुछ साथ में, आगे देखते और क्या क्या लगा रखा है। और एरिया बहुत ही खूबसूरत है, सारी दान है जो हरी हरी दिखाई दे रही है ना, सभी की सभी दान ही दान है ये, कहीं कहीं होती है क्योंकि ज्यादातर पेड़ पौधे हैं। तो ये इनका आ गया जी मेन प्वाइंट, और यहाँ से पानी की सप्लाई का, वाह जी ये पानी किधर से आता है, आगे से? अच्छा आगे से पानी, और पानी का प्रेशर बहुत ही ज्यादा तेज आप देख सकते हो। और ये वही पेठा कद्दू जो सब्जी के लिए होता है,
ये इनका मेन खेत है जहाँ पर ये। घर कहाँ आपका? घर गांव कौन सा है? गांव विलेज ओ पीछे। अच्छा वो हाइट पर है भाई साहब। हाँ हाँ इनका गांव वो हाइट पर बिल्कुल ऊपर। वाह जो कहाँ से आए ये। और इनके पास मरुति 800 है जिसमें आए ये। टमाटर वगैरह भी हैं और ये धान ऐसा नजारा है। और ये है जी इनका। ओ सारा खुल जाता है, इसको बंद कर दिया था। बैम्बू का बना हुआ है सारा। बैम्बू है ना। वाह अच्छा। इधर चाय खाना पीना सब कुछ इधर ही करते हो आप? खाना वगैरह इधर सारा कुछ है तो सभी कुछ इधर ही बनाते हैं ये। और यहाँ पर सारा। शाम को घर जाएगा? शाम को इवनिंग होम है नहीं घर? शाम को घर वापस शाम को। हाँ हाँ तो ठीक है, अभी देखते हैं कैसे क्या करते हैं, क्या कुछ है इनका सिस्टम। और नीचे सारा दान ही दाना भाई साहब, चारों तरफ देख सकते हो आप। काफी खूबसूरत है, दूर से तो ऐसे लगता है जैसे हरा घास का मैदान हो, पर ये सारी दान ही होती है। जैसे इधर से हम उस तरफ देखेंगे ना तो ऐसे लगेगा हरा घास का मैदान है। और बीच में जो ये जुग्गी टाइप दिखाई देते वो यही होती है जहाँ पर हम खड़े हुए हैं। ये बड़ा सारा है। हाँ हाँ इधर से। वाह हाय। तो इधर से देख सकते हो आप सारा, ऊपर से लेके इधर से आगे तक ये जितना पेड़ों की कटाई कर रखी है सारा दान ही दान है नीचे तक। ये सारा आपका है? सारा आपका है? अच्छा अच्छा तो ठीक है इन्हीं का। तो लैंग्वेज बैरियर बहुत बड़ा है, इनको समझाना पड़ता है इशारों से। तो ठीक है लोग बहुत अच्छे हैं, बाकी ये अभी आने जाने का रहने का सब सिस्टम मतलब कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है अभी देखते हैं अंकुश भाई किधर रह गए हैं। अंकुश भाई वो दिख ही नहीं रहे किधर है, वो नीचे व्लॉगिंग करते। ओ भाई किधर रह गया वो देख सकते हो आप। बीच में ना कुछ अलग अलग पेड़ लगे हुए हैं ये, और फूल टाइप ये हमारे उधर भी फूल देखे हैं मैंने, ये ऐसे फूल होते हैं। बाकी शायद इसमें बीज वगैरह निकाल के कुछ बनता हो, ये तो मेरे को नॉलेज नहीं। इनसे यही पूछना था कि दान यहाँ बोते कैसे हैं, बट जो लैंग्वेज तो इनको आती नहीं, समझ नहीं आती। ये भिंडी लगी हुई है, टमाटर भी हैं, लगभग सब्जियां तो हो ही जाती हैं। बाकी जो लैंग्वेज वाली प्रॉब्लम है ना वो ज़्यादा दिक्कत कर रही है, तो कैसे पूछे इनको समझ नहीं आ रहा। तो ठीक है चलते हैं। बाय 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 जी। बाय 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 बाय। छोटू तो छोटू देखो कितना तेज है, बाय बाय बोल रहा है। हेलो हेलो बोल, हेलो हेलो करता भाई, समझदार है। ठीक है जी ओके बाय बाय धन्यवाद। ओके भैया धन्यवाद, चलते हैं। बाय बाय ठीक है, अच्छा लगा मिलके आपसे, धन्यवाद। बाकी लैंग्वेज तो जाती, बाकी लोग बहुत मस्त हैं देख सकते आप। तो ठीक है चलते हैं अब अपने रास्ते पर। ये भी हो गया थोड़ा एरिया एक्सप्लोर हो गया अंदर वाला, ये मस्त लगा। काफी दिन से सोच रहा था ये एरिया भी देखेंगे। अभी रास्ते में जाते जाते एक भैया और मिले, वहां से आ गए हम ऊपर से, तो भैया मिले ये बोले हम भी जूम की खेती करता है, हमारी भी खेती देख के आओ। और इन्हें थोड़ी थोड़ी हिंदी आती है तो शायद इनसे थोड़ी नॉलेज मिल जाए कि ये कैसे लगाते हैं। ये बैम्बू लेके जा रहे हैं हरा हरा। बैम्बू का क्या करोगे? हाँ अच्छा अच्छा साथ में लगाएंगे। तो पूछते हैं इनसे कैसे होती है, क्या चक्कर है। हाँ हाँ मिजो में बू बू बू। अच्छा ठीक ठीक मिजो में बू। हाइट काफी बड़ी है देख सकते हो। गांव कौन सा आपका? विलेज गांव कौन सा है? विलेज हाँ इधर से। अच्छा वो सामने वाला खोदूंशाही। नाम क्या है? खोदूंशाही। खोदूंशाही नॉर्थ ईस्ट खोदूंशाही। नॉर्थ ईस्ट खोदूंशाही ठीक। अकेले रहते हो? हमारा अच्छा शाम मिजो। अच्छा शाम शाम ठीक ठीक शाम। वाह ये टेक्निक अच्छी इनका, स्लाइड गेट। वाह इसके मक्का भी है नीचे थोड़ा ये। ओ अच्छा इधर ये मक्का कई कई कलर का भाई, ये ब्लैक वाला
ब्लैक मक्का, वाई मीम, रेड मक्का, येलो मक्का और ये मिक्स है कोई तीन तरह का मक्का। शाम खा ये देखिए स्लाइड और ये कैप है इधर की भाई साहब इनकी जो डालते इधर की। वाह ठीक ठीक वाह जी। और ये इनके बर्तन वगैरह ये आपके ये देखिए ये सिल्वर के हैं। खोखियंग सिल्वर का है सब्जी है। हाँ ठीक ठीक ये सिल्वर का है सब्जी। हाँ ये भी ऐसा सेम है सब्जी बना के खाता है। लकड़ी है सब कुछ रखा हो अपना यहाँ चाय पानी पीने खाने पीने का जुगाड़ सब सब कुछ रखते हो ना सब चीज है ना। ये क्या काम आती है ये काम इधर से। अच्छा अच्छा पीछे डालकर ओहो ठीक ठीक डाल के इसके सर पे लगाते हैं। हो अच्छा 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 भैया उधर में अच्छा मक्की किधर है मक्का मक्की है क्या बोलते इसको क्या नाम वाई मीम तो इसको वाई मीम वेयर कहाँ है वाई मीम अच्छा अच्छा नीचे ठीक इधर से इधर से वो करेले भी है मिजो में क्या बोलते हैं चंखा तो करेले को चंखा बोलते हैं। और अभी दिखा इधर से हाँ इसे क्या बोलते हैं मयान ठीक और वो सामने बाल इधर से बाल ठीक मीजो बाल और ये हाँ इधर ठीक ये बैंगन लगा हुआ है बोक बोंग मीजो हमारे बैंगन बोलते बैंगन बैंगन ठीक अच्छा बहुत ही अच्छा है ये सभी सब्जियां लगा रखी हैं इधर वो क्या है पेठा आपका हमारे पेठा वो हाँ मिजो कद्दू मिजो माईपोल ठीक और ये क्या है माईपोल ये पुरुल अच्छा प्याज पुरुल प्याज टाइप होता है मेरे को इतनी थोड़ी नॉलेज है पुरुल बोलते हैं इसको ठीक हाँ पुरुल इसका क्या नाम है छोछी खाने काम आती खाते हैं ठीक छोछी अच्छा है भाई तो लगभग सभी जानकारी मिल रही है इधर है इधर से हाँ बहलोई सब्जी हाँ ठीक बहुत अच्छा लगा आपके पास आकर मिलकर काफी जानकारी मिली है सब्जियां वगैरह उनको थोड़ी हिंदी बिल्कुल आती नहीं थी इनको भाई साहब को थोड़ी तो हिंदी आती है ना तो ये नीचे सब्जियां वगैरह लगा रखी है हमारा इधर से रोड में हमारा नंबर 4 ड्यूटी है अच्छा ओएमए ठीक है नंबर 4 वो नीचे था सब्जी है ये दा बनाएगा ठीक अच्छा ओके हमारा देगा अच्छा ठीक है जी धन्यवाद बाय बाय चलते हैं बाय तो चलते हैं यहाँ से और अंकुश भाई तो आए नहीं पता नहीं किधर रह गए तो ठीक है ये था इनका जो कुछ दिखाने का था आपको दिखाया तो चलते हैं अभी देखते हैं अंकुश भाई आते हैं। हाँ जी वो भाई पीछे रह गया थक गया होगा हाँ उधर अच्छा नीचे रिवर है रिवर नाम कुइला तुइला ठीक है ओके जी बाय धन्यवाद। तो ठीक है अभी चलते हैं वीडियो काफी लंबी हो गई है आगे भी जाना कुछ भाई आए नहीं है आजा हो आ रह गया था वो भैया पूछ रहे तेरे को आया नहीं भैया याद नहीं करेंगे तो ठीक है अंकुश भाई आ गया अभी ये ले लेते हैं उनका इंटरव्यू जो लेना है चाय अपनी आ गई है देखते हैं कौन से वाली आई थैंक यू दूध वाली हुई है शुगर हाँ नहीं ठीक है तो ये अपनी तू नहीं पिएगा
थिंगपुई याद रखना भी आगे। तो ठीक है, ये रिकॉर्ड कर लिया थिंगपुई। तू पिएगा थिंगपुई? थिंगपुई पिएगा? नहीं पिएगा तो बाद में पिएगा, नहाने के बाद बाबा जी। तब तक ठंडी है तो ठीक है, थिंगपुई पीते हैं। चाय छोड़ दिया हमने, थिंगपुई शुरू कर दिया आज से। तो आज से हम यही पिए करेंगे। तो ठीक है, धन्यवाद जी अंकुश भाई, थिंगपुई नहीं पिए। तो अभी नहा धो के रेडी हो गए, यहाँ पर नहा लिए था, अब चलते अपने रास्ते पर। अब थोड़े फ्रेश होके चलेंगे तो मजा आएगा। अंकुश भाई आगे निकल चुके हैं रेस लगाते लगाते, कह रहे आगे आऊंगा मैं, और इतनी गर्मी पड़ रही है ना बहुत ही ज्यादा, और उनको रेस लगाने की पड़ी है। तो ठीक है, चलते हैं अब आगे। तो लोग सुबह दौड़ लगाते हैं, इनकी एक्सरसाइज का टाइम ये हो रखा, देख सकते हो आप। ये देखो भाई साहब, हाँ भाई, ये कोई टाइम है एक्सरसाइज का? गर्मी में बुरा हाल हो जाना। ओ भाई ठीक है, चले सांस देख। आपको पता ही ना, मिजोरम में पॉपुलेशन बहुत ही कम है। सुनसान जंगलों से चले जा रहे थे, रास्ते में कोई गांव नहीं आ रहा, कोई ढाबा, कोई कुछ नहीं आ रहा था, कोई गाड़ी, कोई साधन, बिल्कुल अकेले हम दोनों भाई ही चले जा रहे थे। फिर काफी टाइम बाद लगभग 40-50 किलोमीटर निकालने के बाद ना, एक भाई लोगों का ऐसा ये कैंपर टाइप मिला है, शायद इधर लकड़ी वगैरह काटते हैं, ये काफी लकड़ियां पड़ी हैं। और यहाँ पर हमने पूछा अभी चाय वगैरह मिल जाएगी, क्योंकि देखने से लगा कि चाय वगैरह की दुकान होगी, बट ये लकड़ी काटने वाले थे। बाकी इन्होंने चाय पिला दी भाई लोगों ने। भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू। तो इन्होंने चाय पिला दी, अब चाय पी ली है, अब चलेंगे अपने रास्ते पर। ये इनका खाना वगैरह और ऐसा सब कुछ सिस्टम इन्होंने अपना बना रखा है इधर। ये रहने की व्यवस्था है इनकी, और ये सोलर पैनल लाइट के लिए, तो सारी व्यवस्था रखी है इन्होंने। लकड़ियाँ वगैरह काट के ले जाते होंगे। ये कितनी लंबी सीढ़ी लगी हुई है, आप देख सकते हो, ऊपर से बांस वगैरह और लकड़ियाँ वगैरह ऊपर से काट के लाते हैं ये। तो ऐसी जिंदगी इधर मिजोरम की, लाइफ बिल्कुल धीमी चलती है, क्योंकि पॉपुलेशन तो है ही नहीं है ना, सड़कें खाली है, रास्ते अच्छे हैं। ये अभी मिजोरम में एंटर होके रास्ता अच्छे मिल गया आगे आकर। तो अभी आपको ना एक ऐसी चीज दिखाने जा रहा हूँ जो आप बिलीव नहीं कर सकते, इंडिया में हो सकती है ऐसी चीज भी है। तो वो आपको दिखाते हैं अभी क्या चीज है। तो ये सामने जी, यहाँ की जो शॉप होती है, जिन पे आप पैसे डालो और सामान ले जाओ, आपको यहाँ पर कोई भी बंदा नहीं मिलेगा जिसकी दुकान होगी। तू तो खाने वाला है। तो ऐसा है जी, देखो हमने इसमें 50 रुपए डाले हैं, और एक पैकेट हमारा हो गया, इसको 50 रुपए रेट लिखा हुआ है, इस पे 50, और ये खीरे का बड़ा भाई है, इस पे 20 लिखा हुआ है। इसका नाम मेरे को असल में पता नहीं क्या है, बाकी इतना पता खीरे जैसा। तो मतलब ऐसा नजारा यार, आप अंदाजा लगा सकते हो, जहां पर शॉप पर कोई बंदा नहीं मिलेगा तो वहां कितना सेफ एरिया होगा, ये आप सोच भी नहीं सकते ना कुछ भाई। सोच सकते ना, अगर हमारी तरफ होता तो भाई, हमारी तरफ तो दुकान के पास बैठे बैठे चोरी हो जाती है, ये तो ऐसे तो छोड़ेगा कौन। पहले 50 वाला ले, 400 वाला तो देख। और मेरे को लगता है अभी तक हम फर्स्ट कस्टमर है, अभी तक इससे पहले कोई आया ही नहीं है। और ठीक है, ये नजारे भी देखने थे, सुना था, आज देख भी लिए अपनी आंखों से। और ये एक नहीं, काफी दुकानें पीछे भी थी, आगे भी मिलेगी, वह आगे भी दिखाएंगे। तो ठीक है ना, अलग कल्चर इधर का। तो यही फायदा है भाई साहब, ये नॉर्थ ईस्ट बहुत ही ज्यादा सेफ है अपने एरिया से, तो बहुत ही ज्यादा। तो आप भी आ सकते हो, घूम सकते हो, यहाँ के नजारे ले सकते हो। और ये भाई साहब इनका बाग है, ये हरे हरे केले लगे हुए भाई साहब, दिखाते हैं आपको। तो ये देखिए, केले लगे हुए हैं बिल्कुल बिना खाद दवाई वाले, ऑर्गेनिक चीज मिलेगी आपको यहाँ। तो हर चीज ऑर्गेनिक मिलेगी। ये उनका छपरी टाइप है जहाँ पर ये रहते हैं, शायद अभी तो नहीं, कोई भी दिख नहीं रहा। ये इनका, इन्हीं का बाग है, और इन्हीं ने ये स्टॉल लगा रखा है। तो भाई मेरे को तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। कुछ भाई आपको कैसा लगा अच्छा ये चीज देख के यार? अरे मैंने पहले भी देखी है, तभी तो मैंने बोला कि विश्वास नाम की चीज ओनली मिजोरम में। तो ठीक है, अभी केले खाते हैं और चलते हैं अपने रास्ते पर।
जस्ट अभी भी बारिश होके हटी है, सामने आप देख सकते हो इंद्रधनुष बना हुआ काफी खूबसूरत ऐसे बिल्कुल कर्व टाइप में, यहाँ तक पहले यहाँ तक था, अब खत्म हो गया धीरे धीरे। कितना खूबसूरत लग रहा है, और देखिए खेत भी कितने उससे भी ज्यादा खूबसूरत यहाँ के खेत लग रहे हैं जो बारिश के बाद हरे हरे दिखाई दे रहे हैं। धान लगी हुई है और बहुत ही मस्त एरिया नज़ारा आ रहा है, नॉर्थ ईस्ट घूमने में अलग ही मजा है, और मिजोरम का तो कहना ही क्या है भाई साहब। तो देख सकते हो कितना खूबसूरत नज़ारा इधर का। सामने देख सकते हो कितना खूबसूरत झरना है, छोटा सा है बट बहुत ही खूबसूरत है, और ये चट्टान है ये कट चुकी है इसलिए और भी ज्यादा आकर्षक लग रहा है, सेम कलर हो गया ना इनका इसलिए, और साथ में लकड़ी की सीढ़ियां ऊपर जाने के लिए, ऊपर शायद कोई गांव वगैरह होगा इसलिए बना रखा है। और यहाँ पर ना एक अल्टो ए नहीं मारुति 800 खड़ी है ब्लू कलर, और पीछे से ये ना जिप्सी टाइप बना रखी है लकड़ियां लाने के लिए, आप देख सकते हो क्या बना दिया मारुति का। और पुराने टाइम में तो भाई काफी डिमांड थी, बाकी जैसे जैसे टाइम निकल जाता तो सभी हालात ऐसे ही हो जाते हैं, और यही बाइक का कलर अपना ब्लू वाला तो सेम मैचिंग हो गया। तो ठीक है अभी चलते हैं आप आगे अपने रास्ते पर, जहां पर अर्श भाई शायद पहुंच चुके होंगे, हम तो नहीं पहुंचे, देखते हैं पहुंच गए ठीक है, नहीं तो अर्श भाई को कह देंगे भाई थोड़ा इधर वापस आ जाओ, जहां भी इकट्ठे होंगे वहां रात को स्टे कर लें कैंपिंग करके, और उसके बाद सुबह चल पड़ेंगे आगे अपने नए रास्ते पर। तो नजदीक से वाटरफॉल और भी खूबसूरत लग रहा है देख सकते हैं आप, और ये वही सीढ़ियां जो लकड़ी की बना रखी है ऊपर, बहुत ही गजब की लोकेशन है। तो अभी ठंड लगने लगी थी बहुत ही ज्यादा, तो हमने जैकेट निकाल के डाल लिया है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं। और जो हमारा आज का सफर है वो रह गया जी 8 किलोमीटर, जिस चौराहे पर अर्श भाई ने आना है और हमने जहाँ पहुंचना शाम को कैंपिंग करनी है, वो 8 किलोमीटर रह गया, पहुंच जाएंगे हाफ घंटे में है ना, 25-30 मिनट में पहुंच जाएंगे आराम से, 5 का टाइम हो गया, 5 के करीब का 5:30 तक पहुंच ही जाएंगे, और उसके बाद कैंपिंग कर लेंगे। ठंड है आगे जाकर, अगर गर्मी हुई नीचे जाकर, अभी ये नहीं पता भी ऊपर जाना है नीचे जाना, जैसा भी होगा फिर उतार देंगे। तो चलते हैं अभी।